हेलो इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस एपिसोड के साथ। इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे श्री रेणुका शुगर्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं, पहले देखेंगे हम लोग कंपनी के हाईलाइट्स, फिर आते हैं हम लोग चार्ट पे और डिसाइड करते हैं कि किन लेवल्स के अंदर हम लोग इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। तो स्टॉक की पीई और रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो नहीं दिया, कंपनी के बुक वैल्यू देखेंगे तो नेगेटिव में दे रखा है, जो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। यहाँ पे तो इसका ये ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यूएशन हायर साइड पर डाल देता है। प्रमोटर्स की होल्डिंग देखेंगे हेल्दी है, सेल्स ग्रोथ ठीक है, प्रॉफिट ग्रोथ ठीक है, मार्जिन कंपनी के नेगेटिव है, मतलब कि मार्जिन नेगेटिव है तो प्रॉफिट नहीं कमाया जा सकता है। यहाँ पे देखेंगे अगर मार्जिन नेगेटिव है ओपीएम, तो यहाँ पे तो नेगेटिव नहीं दिखा रहा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन कहाँ है यार, नेट प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव है, ऑपरेटिंग मार्जिन भले ही पॉजिटिव है बट नेट देखेंगे, नेट नेट अगर बात करें तो वो नेगेटिव हो जाती है इनकी। और उसी के चलते यहाँ देखेंगे तो रिजल्ट्स भी इनका नेट प्रॉफिट की बजाय नेट लॉस में चेंज हो जाता है। तो अगर बात करें यहाँ पे कंपनी की, तो कंपनी बहुत समय से एक लॉस मेकिंग कंपनी रही है, मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स देखेंगे तो लॉस बुक किया इन्होंने। कंपनी के कैश फ्लोज देखेंगे तो कैश फ्लो वाइज भी नेगेटिव है, ऑपरेशन से नेगेटिव है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग कई हद तक बढ़ी है, और एफ आई एस की होल्डिंग देखेंगे तो एफ आई एस की होल्डिंग भी बढ़ी है, डी आई एस की होल्डिंग देखेंगे तो एग्जिट किया है। एक चीज़ और समझने वाली बात है कि गवर्नमेंट ने अभी फिलहाल अलाउ किया है इन कंपनीज के लिए एक्सपोर्ट करने के लिए, मार्च तक का समय और दिया, आगे जो भी होगा अपडेट करेंगे। फिलहाल के लिए अभी यहाँ देखेंगे चार्ट्स पे, तो चार्ट्स पे भी एक ट्रेंड के अंदर है, एक वाली ट्रेंड फॉलो कर रहा है। इन लेवल्स पे हम लोगों ने बाइंग की थी इसको, उस लेवल पे सस्टेन नहीं कर पाया था, एक रिलेटिवली छोटा रिस्क लेने की कोशिश की थी, इसके अंदर छोटा ही हम लोग पोजिशन बनाएंगे फिर से भी, क्योंकि कंपनी अगर फंडामेंटली बात करेंगे तो उतनी स्मूथ और उतनी अच्छी नहीं है। तो पोजिशन बनाना इसके अंदर तो छोटी रखना, स्टॉप लॉस भी छोटा ही रखना। अभी कोई पोजिशन इसके अंदर नहीं बनेंगे क्योंकि चांसेस यहाँ से एक एम पैटर्न बना सकता है, अगर इसको कन्फर्मेशन मिल गई तो वाली ट्रेंड ब्रेक कर देगा ये, और ब्रेक करके रिटेस्ट करके अगर नीचे चला गया तो एक अच्छा खासा उसमें फॉल देख सकते हैं। तो उस केस से बचने के लिए भी फिलहाल इसके अंदर कोई बाइंग नहीं करेंगे हम लोग, बाइंग करेंगे अगर ये वाला लेवल फिर से क्लियर करने की कोशिश किया इसने तो, इस ट्रेंड को फॉलो करते हुए इस ट्रेंड को ब्रेक ना करें और इसको ऐसे मतलब इधर से ब्रेक कर ले तो एक हम लोग के लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है बाइंग की। पोजीशन छोटी रखना, कंपनी इतनी फंडामेंटली अच्छी नहीं है तो इन्वेस्ट करने के लिए हम नहीं एडवाइस करेंगे, बस छोटी सी इसमें हम लोग पोजीशन ले सकते हैं जो कम से कम 15 से 20% तक हम लोग को टारगेट दे पाए। तो इसी के साथ चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करना, बेल आइकन वाली नोटिफिकेशन बटन जरूर दबाना, अपना कैपिटल सेफ रखना, और तब तक के लिए बाय।